जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जो है आपको दे रही हूँ ECO403 के हैंड आउट्स, ये मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारी जो इस तरह से बनी हुई है वो क्या इसको कहते हैं, सॉरी मसावाते हैं, इक्वेशन हैं, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैंने LMS से सारे लेक्चर्स इसके लिए हैं और उनके साथ साथ जो हैं इनके MCQs भी साथ साथ हर लेक्चर के किए हैं, तो उसमें जो है MCQs उनमें सारे के सारे यही चीज़ थी। इसमें जो है हर चीज़ जितनी भी इक्वेशन हैं वो इसमें इसके लिए क्या इक्वेशन है, इसके लिए क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसके बाद जो है फार्मूलाज आ जाते हैं, इक्वेशन की ही सूरत में होते हैं फार्मूलाज, ठीक है। तो वो सारे होते हैं। और इसके अलावा जो है उसमें आया था कि ट्रू और फॉल्स वो उसमें बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो उसमें जो है उसके बाद जो है उस उन MCQs में क्या था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो थी आपकी डेफिनेशंस, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है, आपकी जो है जैसे इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हो गई, सॉरी इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, और इसके बाद जो है ये जो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जो ये जितने भी मैंने जो है ये किए हैं इनका जो है जस्ट रीडिंग करनी है, बिकॉज ये जो हैं ये आपके ये भी आपके उसमें आते हैं MCQs में, तो इसमें जो है इसका ज़रूरी होता है इसको समझना कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि एक फार्मूला है तो उसमें जो है कि जो जो चीज़ें आ रही हैं, अब ये है इसमें एस है, ई है, एफ एंड यू है, ठीक है। अब ये इसके अंदर से आपको रीड करना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या है। इसी तरह से आपने जो है इसको करना है और इस तरह की जो चीज़ें उनको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं फार्मूलाज के साथ रिलेट करती हैं, आपको जो है उनका फार्मूलाज का पता चलता है कि ये कौन कौन सा फार्मूला है, इस पर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हैं आप इसमें करते हैं और आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो इसमें हर चीज़ जो है मैंने बहुत देख के समझ के फिर मैंने आपको दी है, ठीक है। तो आप इसको करें। और इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा लॉन्ग वाला कोई काम नहीं है, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट ही चीज़ें हैं। अगर कुछ जगहों पे है कि 3, 4, 5 इस तरह से जो है पॉइंट्स हैं, 3, 4, 5 लाइंस, ठीक है, जैसे ये है, ये तो छोटी छोटी सी हैं, लॉन्ग भी हैं, ठीक है। आप अगर करना चाहें तो पहले से उसको स्किप कर दें, ठीक है, और उसके बाद बाकी शॉर्ट शॉर्ट जितना भी है वो कर लें, और उसके बाद जो है आप लास्ट में उनको कवर कर लें, ठीक है। ये जैसे इतनी सारी हैं तो उनको करें आप, तो आप इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका जो है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो इसकी जो है आपकी रेट एक्सचेंजेस जो हैं ये भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, ठीक है, उन MCQs में जो मैंने LMS से किए हैं। तो ये आपने लाजमी कर लेना है कि ये कौन से कंट्री की कौन सी करेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।